सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर लाइव सेशन ऑफ हर्बल हेल्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी दर्शकों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने हर्बल हेल्थ को, मतलब हमारा जो इनिशिएटिव है फेसबुक लाइव सेशन का, उनको इतना रिस्पांस अच्छा मिला है, हमको अच्छे कमेंट्स मिले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही है कि आजकल की सिचुएशन में मेंटल स्ट्रेस काफी ज्यादा बढ़ गया है, और इतना ही नहीं, नॉट इवन द टूडे सिचुएशन, अपार्ट फ्रॉम दिस हमारी जो रेगुलर बिजी लाइफस्टाइल है उसमें जो हमारे हाउसहोल्ड केओस है या फिर बिजी लाइफस्टाइल है, वर्क प्रेशर है, ये सब की वजह से हम प्रॉपर मेंटल हेल्थ मेंटेन नहीं कर पाते। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। बट डोंट वरी फ्रेंड्स, यही सब प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आज हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से जो हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद है। बट बिफोर गोइंग फर्दर आई वुड लाइक टू टेल our viewers about our Herbal Hills company. So दोस्तों, Herbal Hills की शुरुआत हुई थी 2005 और इसकी शुरुआत की थी हमारे डायरेक्टर धीरेन दलाल ने। आयुर्वेदा के फील्ड में आने के बाद हमारी जो फर्स्ट प्रोडक्ट लाइन थी दैट वॉज ग्रीन फूड सप्लीमेंट, और इसकी सक्सेस के बाद और इसकी मार्केट में जो डिमांड थी उसको ध्यान में रख के हमने फिर आगे 9 अलग अलग प्रोडक्ट लाइन अवेलेबल करवाई हमारे कस्टमर्स के लिए, जिनमें से कुछ थी हर्बल पाउडर्स, हर्बल शॉट्स, हर्बल जूसेस एक्सेट्रा। और आज 2020 में हर्बल हिल्स के पास 350 से भी अधिक हर्बल सप्लीमेंट्स है। लोनावला में हमारी जो 3 फैक्ट्रीज है वहां पे ये सब प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। हमारे पास 150 से भी अधिक एम्प्लॉयज काम करते हैं, और मुंबई में हमारा जो मेन ऑफिस है वहां से सब सेल्स का काम देखा जाता है। और हम 30 से भी अधिक इंटरनेशनल कंट्रीज में हमारे ये जो हर्बल सप्लीमेंट्स है वो एक्सपोर्ट करते हैं, और ऑल ओवर इंडिया भी ये सभी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। और इसीलिए हमारे जो सब प्रोडक्ट्स है वो गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, जैसे कि GMP हो गया, हलाल, USFDA एंड ISO एक्सेट्रा। सो फ्रेंड, ये तो बात हुई हमारे हर्बल हिल्स कंपनी की, बट विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज के जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो है माइंड एंड आयुर्वेदा। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से, जो है डॉक्टर राजेश सवेरा। So welcome to Herbal Hills, sir. Namaste. Thank you so much for inviting. Yeah. So friends, before going to a question answer session, मैं आप सभी को डॉक्टर राजेश जी के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। सो डॉक्टर राजेश जी एक आयुर्वेदा फिजिशियन है, साइकोथेरेपिस्ट है, एंड काउंसिलर भी है, जो पिछले 20 सालों से भी अधिक आयुर्वेदा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये 15th लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी DXL के लिए एक ऑफिशियल वेलनेस ट्रेनर भी है। आजकल डॉक्टर राजेश जी ज़ेनायो क्लिनिक में डॉक्टर लिम के साथ काम कर रहे हैं एक बहुत ही खास विषय पर, जो है इंडिया में स्पिरिचुअलिटी की वैल्यू बढ़ाना, जिसका हमारे जो प्राचीन काल में इसकी काफी मान्यता रही है, काफी महत्व रहा है। और इसी के साथ साथ ये जो उनके पेशेंट्स हैं उनको नेचुरल एंड एंशियंट आयुर्वेदा की मदद से इनका उपचार करते हैं। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, राजेश जी 50 से भी अधिक कंट्रीज में ट्रैवल कर चुके हैं, और ये ट्रैवल करते करते ही ये लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल किस तरह जीनी है, किस तरह अपनी लाइफ हेल्दी बनानी है, इसकी ट्रेनिंग भी देते हैं। ये एक ऑथर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, और इसके साथ साथ ही एक बिहेवियर ट्रेनर भी है। सो सर, आई एम वेरी ब्लेस्ड टू कंडक्ट दिस सेशन विथ यू। वेलकम अगेन टू आर हर्बल हिल्स टीम। थैंक यू सो मच। तो सर, हमारे जो कॉमन से क्वेश्चन है, जो हमने व्यूअर्स को ऑलरेडी बताया कि माइंड एंड आयुर्वेदा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, सो सर, शुड वी गो फॉर अ क्वेश्चन आंसर सेशन? एब्सोल्युटली, यू कैन स्टार्ट इट राइट अवे। या सो सर, मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि इंट्रोडक्शन में मैंने आपके बारे में बताया कि आप आयुर्वेदिक फिजिशियन है और साइकोथेरेपिस्ट भी है, तो ये दोनों को आप, ये क्लिनिकल आपकी प्रैक्टिस में किस तरह यूज करते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली जब मैंने मेरा BAMS खत्म किया 1999 में, और उसके बाद मैंने एक छोटी सी अपनी प्रैक्टिस रखी थी पूना में, और प्रैक्टिस करते वक्त अक्षय क्या हुआ कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे इन्वेस्ट करने के लिए, तो मेरे दोस्त था, उसने अच्छी अपनी क्लिनिक खोली थी, तो मैंने उसको बोला यार थोड़ा सा मुझे भी चूरन बिरन दे दे, मैं भी शुरू करता हूँ। तो मेरे को कुछ डब्बों में उसने इतनी इतनी, मतलब छोटी मात्रा में होती है ना, सबसे छोटी मात्रा सैंपल के लिए जितनी होती है उतनी मात्रा में मेरे को कुछ 20-25 हर्ब्स दे दिए।
अब मुझे एलोपैथी नहीं करना था और मुझे आयुर्वेदी करना था, तो मैंने क्या किया, वो डब्बों से एक पॉलीक्लिनिक में जाके प्रैक्टिस शुरू की। अब जब प्रैक्टिस शुरू की तब मैं पेशेंट से जब मिलना शुरू किया तो मेरे को पता नहीं चल रहा था, क्योंकि देखो डॉक्टर कभी बिजनेसमैन नहीं होता, तो उसको बिजनेस करना भी नहीं आता। एक डॉक्टर के साथ जो गुजरती है, जब वो पास आउट होता है, वो बहुत ही बुरा होता है, नो। और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, तो मुझे हिसाब किताब लगाना नहीं आता था, तो मैंने 10 रुपए पर डे के हिसाब से मेडिसिन देना शुरू कर दिया और 30 रुपए फर्स्ट टाइम कंसल्टेशन, फिर लाइफ टाइम फ्री, ये वाला ऑफर दे दिया। अच्छा था, यंग बंदा था, यंग अच्छा ऑफर था उस जमाने में, 99 में, यू नो, और यंग था ना मैं, तो आदमी भरोसा भी नहीं करे, क्योंकि आयुर्वेदा बोला तो कैसे दिखना चाहिए आदमी, बुड्ढा सा, दाढ़ी वाला, या कुछ तो ऐसा मच्योर दिखना चाहिए, ये छोकरा यंग बच्चा कैसे बनेगा, है ना, आयुर्वेदा डॉक्टर। तो मैं फिर भी वहां क्लिनिक में एकदम अच्छे डब्बे लेके बैठ गया और मैंने सोचा चलो टाइम पास के लिए बैठूंगा। बाकी जगह पे नौकरी करता था, दूसरी जगह पे मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में, तो पैसे के लिए मैं नहीं बैठता था, मैं सिर्फ बैठता था क्योंकि अच्छा लगता था, 2 घंटा शांति से बैठेगा, पेशेंट नहीं आएगा तो भी शांति मिलेगा, पढ़ेगा पढ़ूंगा वगैरह। तो ऐसे करते करते हल्लू हल्लू पेशेंट आने लगे। अब पेशेंट आने लगा तो मुझे याद है मेरा पहला पेशेंट जब आया, मैं उसके साथ बातें करने लगा और दवाई साइड में रहने की, मैं बातें, क्योंकि एक ही आता था स्टार्टिंग को, तो उसको तो मैं छोड़ू ना, जितना हो सके तो मैं उसको पकड़ के रखू, तो आधा आधा घंटा पौना घंटा मैं उसको छोड़ता नहीं था, इसकी पूरी हिस्ट्री निकालता था, क्या होता है क्यों होता है। तो हेयर फॉल के लिए मैं 45 मिनट्स की कंसल्टिंग लेता था, क्योंकि मेरे पास और कुछ काम नहीं था, उस शायद उस आदमी के पास भी काम नहीं रहेगा, वो भी अपना 30 रुपए में वो भी मजे ले रहा था। तो क्या हुआ, मैं बैठे बैठे पूड़ी बांध के छोटा छोटा, इतना सा गुड़ुची, इतना सा आंवला, ये सब छोटी छोटी पूड़ी बांध के, एक छोटी पूड़ी बांध के 21 पूड़ियां दे देता था, तो मुझे 100 रुपए मिल जाते थे 7 दिन की दवाई और 3 टाइम लेने के लिए और 30 रुपए कंसल्टेशन बस। अब क्या हुआ, अगले हफ्ते वो व्यक्ति वापिस आने लगा। क्यों आया, उसको अच्छा लगा, शायद मेरा बात करना अच्छा लगा। अब क्या हुआ, धीरे 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 प्रैक्टिस बढ़ने लगी, मैं शाम को जो 7 बजे बैठता था, सुबह 4:30 बजे तक मेरी प्रैक्टिस चलने लगी। अब मैं परेशान हो गया, मैं अभी बाबा बनने लगा था। तो एक वक्त ऐसा आया, किसी ने बोला डॉक्टर साहब आमच्या मुलीचं, अगर आपको मराठी आता है, आमच्या मुलीचं लग्न होत नाही, हाथ ठेवून द्या म्हणजे लग्न होईल। मैं बोला बाप रे, ये तो गड़बड़ी हो गया, मैं बनना चाहता था डॉक्टर, ये मैं बाबा बन गया। जो बंद की मैंने प्रैक्टिस और चला गया बॉम्बे, और बॉम्बे में आया था मैं, आई वॉज इन अंधेरी फॉर दैट टाइम 2000 के आसपास, एंड आई स्टेड माई मास्टर्स इन साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग जस्ट टू फाइंड आउट कि क्या मन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने ये पाया कि शायद मन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से ये दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ। और अगर आज आप देखोगे, इफ यू गिव मी अ फुल स्क्रीन, मैं आज डॉक्टर लिम के साथ, जो DXN के चेयरमैन और ये है, इनके साथ हम लोग एक क्लिनिक ओपन की है, जिसकी प्रोडक्ट्स हम हर्बल हिल्स से ही लेते हैं, क्योंकि मैं हर्बल हिल्स जाके देख के आया था, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स है हर्बल हिल्स के। तो ये हमारी क्लिनिक है जेन आयु, ये पुणे में है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वही कॉन्सेप्ट से पैदा हुई, ये है कि माइंड को पहले, मतलब जेन ध्यान और आयु आयुर्वेदा। तो हम लोग यहाँ फंक्शनल न्यूट्रिशन, आयुर्वेदा लाइफ स्टाइल, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% सब हर्बल हिल्स के प्रोडक्ट्स के बेसिस पे हम लोग ये करते हैं, एंड वी ट्रीट, एंड लास्ट 1.5 ईयर वी हैव बीन डूइंग दिस, और द रिजल्ट्स आर ऑसम। सो अगेन, इसीलिए मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, इसीलिए नहीं कि मुझे आना था और मार्केटिंग करना था, इसीलिए क्योंकि मैं एंडोर्स करना चाहता हूँ हर्बल हेल्थ के प्रोडक्ट्स को, क्योंकि सच में वो बेहतरीन है, और हमारे यहाँ की मेजोरिटी रेंज वही है, उन्हीं की है। ओके, तो सर जैसे कि आपने, आपके इतने अच्छे किस्से हैं जो आपके स्टार्टिंग ऑफ द करियर के हैं, वो आपने हमारे साथ शेयर किए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड सर जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है आयुर्वेदा एंड माइंड, तो ये एक बेसिक सा सवाल है कि सर माइंड होता क्या है एक्चुअली, तो सर उसके बारे में थोड़ा बताइए, बिकॉज एवरीवन हैज डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स अबाउट द माइंड, सो प्लीज यू आर द एक्सपर्ट, प्लीज लेट अस एक्सप्लेन। यू नो, आज ही सुबह मेरी वाइफ को मैं बता रहा था, है ना, तो मेरी वाइफ बोल रही थी पिछले 8 साल हो गए आप इसी के पीछे लगे हो मन के, और आज भी उसी के बारे में बात करते हो। मन एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मेरे हिसाब से सदियों से इंसान खोजते आ रहा कि है क्या ये, क्योंकि इट्स अ मिस्ट्री, यू नो, इट्स अ मिस्ट्री। सम से इट्स योर सर्वेंट, आप उससे काम कराओ,
सम बोलते कि नहीं अगर आप काम नहीं करोगे वो मालिक बनेगा, इट विल रूल ओवर यू. लेकिन व्हाट आई फाउंड वाज टोटली डिफरेंट. मेरी खुद की एक्सप्लोरिंग जर्नी रही है और अभी आई एम वर्किंग विद अ जेन मास्टर, यू नो, एंड मैं जेन मास्टर डॉक्टर लिम जो इसी की यू नो फाउंडर है डीएक्सएन के, इन्हीं के साथ हम लोग काम कर रहे हैं. और इंडिया में ये मन के ऊपर जितना रिसर्च हुआ है पिछले 3,000-4,000 सालों में, मुझे नहीं लगता किसी भी जगह पे हुआ है. और मन को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हो. और ये इतना इम्पोर्टेंट है जैसे यू नो लोग समझ ही नहीं पाते मन है क्या. जैसे प्यार है ना, प्यार समझ नहीं पाते हो जाता है, वैसे मन भी किसी का खो जाता है या हो जाता है, मन किधर लग जाता है लेकिन समझ नहीं पाता, उसी तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मन को समझने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी. और आयुर्वेद और मन का बहुत ही गहरा संबंध है. आज अगर डिजीजेस दैट आर इनक्योरेबल और जिसमें हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आर कॉल्ड एज साइकोसोमैटिक डिजीजेस. साइको मतलब मन, माइंड का इन्वॉल्वमेंट आ गया. अब प्रॉब्लम यह होता है कि हम हर चीज को अपने नॉलेज के हिसाब से सब देखते हैं. हम दुनिया को अपने हिसाब से देखते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसा फल खाऊ जो कभी आपने देखा नहीं हो. ओके सुनो अक्षय, अगर मैं एक ऐसा फल खाओ जो आपने कभी नहीं देखा हो ना सुना हो, लेकिन मैं आपको बताओ कि वो क्या है तो मैं कैसे बताऊ? मैं तो नहीं बता सकता क्योंकि आपको कुछ मालूम ही नहीं है. तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको पूछूंगा अक्षय वो लाल कलर का फल नहीं कभी सेब खाया है? तुम बोलोगे हाँ. मतलब जब सेब खाता है ना उसके जैसा टेस्ट नहीं है. अच्छा तुम बोलोगे अच्छा उसके जैसा नहीं है तो क्या पेरू के जैसा? मैं बोला पेरू जैसा नहीं है. तुम बोलोगे फिर कलिंगर जैसा? मैं बोला कलिंगर जैसा. मैं हर चीज को ना ना बोलते जाऊंगा क्योंकि मैं बता ही नहीं सकता. उसी तरह जब माइंड की बात आती है तो बहुत डिफिकल्ट है बताना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी कोशिश की. तो आई हैव अ पिक्चर, एक बहुत पुराना पिक्चर है, अगर आप मेरे को स्क्रीन दोगे मेरी तो मैं आपको एक शेयर करूंगा. ओके यहाँ पे बहुत अच्छी तरह बताया गया कि यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, मतलब जो तुम हो तुम एक कण मात्र हो जो ब्रह्मांड से जुड़े हुए हो. ओके मतलब इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ हो वो तुम इस ब्रह्मांड के ही स्वरूप है, एक छोटा सा दाना हो. मतलब राइस का एक बड़ा पतीले में एक दाना जितना राइस होता है उतने ही पूरे पतीले में राइस होता है, उसका टेस्ट और उसकी क्वालिटीज. इसका मतलब ये है कि अगर मुझे अपने आप को समझ गया तो मैंने ब्रह्मांड को समझ लिया. इसको समझने के लिए आपको ये वाला जो पिक्चर है आपने बहुत पहले देखा होगा, ये उपनिषद में बताया गया है और बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें पूरी अपनी बॉडी माइंड सेंसेस इंटेलिजेंस और सेल्फ के बारे में बताया गया. अभी ये देखो ये एक चैरियट है और इसको आपने भगवद गीता के पोस्टर पे बड़ा देखा होगा. ये जो शरीर है ये एक ये बोलते ना चैरियट की तरह है एक. और चैरियट इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? चैरियट को मेरे हिसाब से आई थिंक इट इज कॉल्ड व्हाट विल यू कॉल अ चैरियट? सॉरी व्हेन आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड हिंदी. ओके एनीवे तुमको समझ में आया मतलब एक घुड़सवार चैरियट. हाँ तो ये जो चैरियट है ओके अभी चैरियट में ये जो घोड़े दिख रहे हैं ना आप, ये घोड़े जो है ये सेंसेस है. ये पांच इंद्रिय है जैसे आंख होगी नाक होगी आंख नाक कान जिह्वा और त्वचा. ये जो इंद्रिय है ये घोड़े है ये इंद्रिय की समान होते हैं. ये अपने विषय में गुम जाते हैं, हर चीज अपने विषय को ढूंढता है. जैसे जुबान कुछ टेस्ट ढूंढेगी, आंख कुछ चित्र ढूंढेगा, कान कुछ शब्द सुनेगा, त्वचा किसी चीज को छूना चाहेगी ओके और ना किसी को सूंघना चाहेगी. ये सब अपने इंद्रिय जो है अपने कर्मेंद्रिय के द्वारा विषयों का ग्रहण करना चाहती है. और जब देखोगे चैरियटर जो चला रहा है जिसे यू नो भगवद गीता में कृष्ण का रूप दिया गया है वो है हमारी बुद्धि या इंटेलिजेंस. और इंटेलिजेंस का काम है इन घोड़ों को चलाना. लेकिन इंटेलिजेंस घोड़ों को कैसे चलाएगा? क्योंकि घुड़सवार जो उसमें सवार है वो है तुम जो देखते हो. यू नो तुम अपनी बुद्धि से पूछ सकते हो, तुम अपने इंटेलिजेंस से पूछ सकते हो, तुम अपने सेंसेस को देख सकते हो, तुम अपने मन को देख सकते हो, मतलब तुम अलग हो. और ये जो इंटेलिजेंस है इसका काम है अपने सेंसेस पे किसी तरह कंट्रोल करके अपने विषयों को अब भटकने नहीं देना है. और जहां ये इसका मतलब आयुर्वेद में
मन को भी एक छठा इंद्रिय माना गया है, सिक्स्थ सेंस। इसीलिए हम बोलते हैं जिसका सिक्स्थ सेंस जागृत हो जाता है वो बहुत ही स्मार्ट बन जाता है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट हो जाता है, क्योंकि उसका संबंध इंटेलिजेंस के साथ है मन का। लेकिन अगर मन इंटेलिजेंस अगर कहीं भटका होगा, कहीं ध्यान नहीं दोगे आप किसी चीज में, तो जो घोड़े को पकड़ने वाली हमारी जो रस्सियां है वो रस्सियां लूज पड़ जाएगी और घोड़े अपने अपने विषय की तरफ जाएंगे। इसीलिए देखो आज बीमारी का सबसे बड़ा कारण है, आदमी डायबिटीज से परेशान है, ब्लड प्रेशर से परेशान है, ओबेसिटी से परेशान है, कैंसर से परेशान है। ये बीमारियां बीमारियां नहीं है, ये हमारी इग्नोरेंस है और हमने हमारे मन को कम, मतलब जो हमारा इंटेलिजेंस है और जो इंद्रिय है इनके जो पकड़ने वाली रस्सिया है इसको लूज छोड़ दिया, जिसको जो चाहिए उसने किया और आखिर में जो चैरियट है, जो गाड़ी है, वो पूरी तरह डामाडोल हो चुकी है, हिलने लगी, आप सब अंजर पंजर हिलने लगे। और आज जब मैकेनिक के पास जाते हैं, हम गाड़ी ठीक करना चाहते हैं और अभी भी गाड़ी ठीक करने के बाद वही करेंगे जो पहले करते थे, और ऐसी गाड़ी कभी ठीक नहीं होती है, ना वो आदमी अपनी जिंदगी सही तरह से जी सकता है, ना अपने पथ पे जिस पथ के लिए वो निकला था वो पूरा कर सकता है, अपना पर्पस नहीं कर सकता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर सकता और लाइफ में वो फेलियर देखता है क्योंकि वो अपने विषय से भटक गया। तो ये मन जो है ये रेन से जो बुद्धि पकड़ती है, तो क्या मन दिखता है इस चित्र में? तो दिखता है लेकिन सही में तो दिखता नहीं है, राइट? क्योंकि कोई उसकी बात नहीं करता। अभी क्या मन बात करता है? मन खुद बात नहीं करता, लेकिन एक घोड़ा ये टाइप जाएगा तो उसकी रस्सी बुद्धि को समझ में आएगी। तो बुद्धि से बात करता है इंद्रिय, किसके द्वारा? मन के द्वारा। हर चीज मन के द्वारा बात करते इंद्रिय। जो मन का काम है ये विषयों को इन बुद्धि तक लेके जाने का काम है। अब बुद्धि अगर सोई रहेगी तो इंद्रिय जो करना चाहे वो करेंगे और वहां से बीमारी शुरू होती है। समझ में आया? बहुत सिंपल कर दिया मैंने हिसाब से। यस यस, इट वॉज वेरी सिंपल, और जैसे अपनी इमेज भी दिखाई उसके हिसाब से तो जो हमारे व्यूअर्स है उनको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो सर जैसे आपने बोला तो मुझे पूछना है कि क्या आयुर्वेदा में भी ये माइंड को कंसिडर किया गया है? माइंड का कॉन्सेप्ट आयुर्वेदा में भी है, और अगर है तो इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए प्लीज। जरूर, आयुर्वेद अगर आप देखोगे एक कोई मेडिकल साइंस नहीं है, यू नो सिर्फ मेडिकल साइंस नहीं है, क्योंकि देखो उस वक्त ना हमारा इंसान जो था वो बहुत सात्विक था, वो अच्छी तरह जीता था। लेकिन स्पेशली भारत में जब हमारे योगी थे इनका सबसे ज्यादा समय इसी को खोजने में लगा कि ये जीवन के चक्र से, ये जीवन मृत्यु के चक्र से कैसे छुटकारा पाया जाए और निकल जाए यहाँ से, क्योंकि ये संसार जो है ये दुख का सागर है, इसमें जो भी आएगा आज नहीं तो कल दुख भोगेगा ही भोगेगा। जन्म मृत्यु ये तो दुख है ही, बीमारी बुढ़ापा ये भी दुख है, रिश्ते रिश्तेदारी ये भी दुख है, हर जगह दुख ही दुख है। लेकिन योगी जो चाहता था इससे छुटकारा पाना, और उसके लिए उसको ध्यान की बहुत जरूरत थी। ध्यान मतलब वही जो मैंने कहा कि अपनी इंटेलिजेंस को वो अपने पे केंद्रित करते हुए इस पूरे चक्र से बाहर निकले। इसीलिए उसका अपना जो चैरियट था, मतलब ये जो शरीर था, इसका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, वरना वो कभी नहीं कर सकता। देखो अर्जुन क्या तीर चला सकता है अगर वो गाड़ी हिलेगी? नहीं चला सकता। कितना भी अच्छा धनुर्धर हो नहीं चला सकता। कृष्ण कितना भी अच्छा हो लेकिन अगर वो गाड़ी ही डामाडोल हो जाए तो अर्जुन का निशाना चूक सकता है। कृष्ण की कितनी भी बुद्धि लगा दे लेकिन कुछ नहीं हो सकता, घोड़े अपने अपने चलेंगे और सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसीलिए आयुर्वेद में मन को सबसे ऊपर श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। मैं अगर बताओ तो इसका बहुत ही क्लोज संबंध आता है प्रकृति के साथ, जो आयुर्वेद में हम लोग बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल थेरेपी। हर पेशेंट को जब हम डील करते हैं, हर व्यक्ति को डील करते हैं, हम प्रकृति बेस्ड ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन प्रकृति को हम ये सोचते कि वातपित कफ है। सिर्फ वातपित कफ नहीं है, ये बेसिकली है आपकी मनस्थिति, आपकी एनर्जी लेवल, जो आपके अंदर जो फोर्स है वो है, और वो भी मन से जुड़ा हुआ है। ओके, देखो किसका मन इलास्टिक होगा तो उसका लैंग्वेज अलग होगा, किसका मन यू नो मेटल का बना होगा रस्सी तो उसका अलग होगा। हर एक मन के हिसाब से वो घोड़ा और जो चैरिटर इसके बीच में कम्युनिकेशन होती है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ओके नाउ हियर, ओके हियर वी गो। तो यहाँ पे मैंने जैसे ये दिखाया, मेरे पास एक पिक्चर है, इसमें क्लीन बताया गया है कि चित्ते चलती संस्कारा, मतलब ये मन तब तक चलेगा जब तक इस पे संस्कार हो रहा है। निश्चले मोक्ष उच्चते, मतलब जिस दिन इसके ऊपर से
वो चलना बंद हो जाएगा ये मन, उस दिन तुमको मोक्ष मिलना शुरू हो जाएगा। और इसी की हम आराधना और अपेक्षा रखते हैं जीवन से। चरक ये क्या कहते हैं कि he who has his mind under control does not contract any disease। ये चरक ने कहा है, मतलब जो व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल में रखता है उसको बीमारी हो ही नहीं सकती। मतलब आज की डेट में अगर बीमारियां बढ़ रही है मतलब मन कहीं कंट्रोल में नहीं है। आगे लेके जाना चाहता हूं, त्रिदोष जो हम सबको पता है आपके चैनल पे तो पक्का होगा, वाता पित्त कफा। आपको ये भी पता होगा त्रिगुणा पे भी काफी लोगों ने बात की होगी, तम रज और सत्व। लेकिन यहाँ पे जो त्री एसेंसेस है ये भी बहुत जरूरी है। वाता तमा से जुड़ा है प्राणा, पित्त और रज से जुड़ा है तेज, और कफ और सत्व से जुड़ा है ओज। और ये तीनों जो है, ये प्राण जो तेज और ओज, यही जीवन का स्वरूप है। और इसको समझने के लिए आपको ये समझना चाहिए कि ये सब हमें मिलता है सिर्फ आहार से, क्योंकि आहार जो है पांच भौतिक है, ये शरीर भी पांच भौतिक है, और सबसे मजेदार बात है ये मन भी पांच भौतिक है। मतलब मन भी मटेरियल है, और जैसे मूत्र वह स्रोतस है, जैसे रक्त वह स्रोतस है, ये सब चैनल्स है जिसके थ्रू सब कुछ फ्लो होता है। आयुर्वेद ने मन को भी मनोवह स्रोतस से घूमते हुए बताया गया, मतलब ये चैनल से घूमता है, अपना खुद का चैनल है, नेटवर्क है, और उसके थ्रू ये घूमता है। और ये मनोवह स्रोतस जिस दिन ब्लॉक हो जाता है उस दिन बीमारी शुरू होती है, साइकेट्रिक बीमारी शुरू होती है, साइकोलॉजिकल शुरू होती है, बिहेवियरल शुरू होती है, मतलब सब प्रकृति जो होती है उसकी वात पित्त कफ ये सब डामाडोल होना शुरू हो जाता है, और फिर वो इनविटेशन देता है आने वाले अलग अलग बीमारियों। मेरे हिसाब से काफी सिंपल तक बताया कि इतना इम्पोर्टेंट है मन। यस सर, थैंक यू सो मच कि आप इतने इजी तरीके से हमारे व्यूअर्स को ये सब बता रहे हो, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड जब ये विजुअल सामने होता है। सो सर, जैसे कि कहा गया है कि अगर आपका माइंड हेल्दी है इसका मतलब आपकी बॉडी हेल्दी है, एंड वाइस वर्सा, व्हेन योर बॉडी इज हेल्दी दैट मींस योर माइंड इज हेल्दी। तो सर, हाउ ट्रू इज दिस स्टेटमेंट, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो कितने प्रतिशत सच है, अगर है तो ये कैसे? देखो बहुत सिंपल है, एक लेट्स टेक, जब कोई भी प्रोडक्ट आपका कंपनी से जब आता है ना, लाइक लैपटॉप, ये लैपटॉप ले लो, ये लैपटॉप जब आता है एकदम नया है, फ्रेश है, स्वस्थ है, इसलिए सुंदर भी है। लेकिन जमाने के साथ अगर 3 साल यूज कर लो तो ये पुराना हो जाता है, उसमें बुढ़ापा आ जाता है, वही सारा जो पहले पसंद आया था अभी नहीं पसंद आता है, तो ये क्यों हुआ? उसी तरह एक बच्चा ले लो, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो इस दुनिया में आता है, बताए कोमल, बड़ा ही प्यारा लगता है, क्योंकि वो उसका शरीर स्वस्थ है, अभी भी स्वस्थ माँ से निकला हुआ है, और जब उसका जो मन होता है वो भी स्वस्थ होता है। इसीलिए देखोगे कि शरीर और मन का बहुत गहरा संबंध है, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। ओके, जैसे आग और उसके आने वाली रोशनी और उसकी तेज को अलग नहीं किया जा सकता है, उसी तरह मन और शरीर को अलग किया ही नहीं जा सकता। सोचो ना, वो चैरियटर मतलब कृष्णा और घोड़ों के बीच में अगर डोरी ना हो तो कुछ भी नहीं है, राइट? ना चैरियट है ना कुछ है। तो आयुर्वेद जो कहता है कि अगर आप अच्छा खाओगे तो अच्छा मन पाओगे, बुरा खाओगे तो बुरा मन पाओगे। अब अच्छा खाना और अच्छा मन पाने की इच्छा सब रखते हैं, लेकिन शायद किसी को पता है कि इसका भी एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला हमको जिस दिन समझ में आएगा हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, राइट? अभी देखो मेरी उम्र करीबन 44 इयर्स है, मेरे साथ के उम्र के मेरे क्लासमेट्स डाई करते हैं बालों को, ये करते हैं, आधे के बाल छड़ गए, बुढ़ापा छाया हुआ, और हम अभी भी जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। अब तक मैंने मेरा करियर शुरू नहीं किया, मैं करना चाहता हूँ, आने वाले कुछ सालों में मेरा करियर शुरू करूंगा, ये इच्छा रख के मैं काम करता हूँ, आप देख रहे, समझ रहे हो? तो ये जो है मतलब मेरा मन अभी भी दौड़ना चाहता है, अभी भी एक्साइटेड है, और ये कहीं ना कहीं आहार से जुड़ा हुआ है। या तो सर, यू हैव मोर देन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और आपने जो लाइफस्टाइल फिजिशियन है आप, तो व्हाट इज योर रिकमेंडेशन फॉर समवन, मतलब जो नॉर्मल लोग हैं उनको हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी ये दोनों को कैसे मेंटेन करना चाहिए, विद योर एक्सपीरियंस व्हाट कैन यू से? देखो आज कल पहले तो आदमी ने सवाल पूछना चाहिए। मैंने जब मेरा बीएमएस खत्म किया था और मैं मेरे मम्मी को यू नो एसिडिटी की तकलीफ होती थी, और मैं क्या करता था, मैं हर चीज के लिए दवाई देता था, आयुर्वेदिक, एलोपैथी नहीं तो आयुर्वेदिक, है ना? तो कहीं ना कहीं दवाई का कॉन्सेप्ट था मेरे मन में,
और मैं हमेशा वो बोलता था चलो ये दवाई से ये ठीक हो गया, क्योंकि मैं बीमारी को एक दूसरा कंपोनेंट देखता था और वो अलग कंपोनेंट देखने की वजह से मुझे एक अलग कंपोनेंट से उसको ठीक करना चाहिए था। लेकिन जब मुझे ये समझा कि आयुर्वेद का जो श्लोक था सम दोष सम धातु सम अग्निश्चय, जो सब सम मतलब सब बैलेंस में रहेगा वही स्वस्थ कहलाता है, तो मैंने सोचा ये इसका तो बीमारी नाम सी मतलब बीमारी नाम की चीज होती ही नहीं है, ये सिर्फ इम्बैलेंस होता है। और इम्बैलेंस सिर्फ दो चीजों से होता है, या तो किसी चीज का ज्यादा होना या फिर किसी चीज का कम होना, राइट? किसी चीज का ज्यादा होना बहुत सिंपल है, कम कर दो, किसी चीज का कम होना ज्यादा कर दो। आज अगर आप बीमारी ले लो, आज जो लाइफस्टाइल डिजीजेस से हम जी रहे हैं और तकलीफ यू नो देख रहे बहुत भयंकर है। करीबन 6 साल पहले मैंने लोगों को सिखाना शुरू कर दिया, आज लाखों लोग मेरी बात को फॉलो भी करते हैं, कि दूध वाली जो चाय हम पीते थे ये विरुद्ध अन्न में आती है, क्योंकि जैसे मच्छी और दूध साथ में खाया नहीं जाता उसी तरह चाय पत्ती जो है ये कषाय रसात्मक है, उसको आप दूध के साथ जो यू नो आप मधुर रसात्मक है इसके साथ आप मिक्स नहीं कर सकते हो, विरुद्ध अन्न बन जाता है। और ये जो है ये हमने प्रयोग किया, हमने लोगों को बताया, और ऊपर से लोग उसमें शक्कर भी डालते थे जो और भी पित्तकारक थी, और ये जो कॉम्बिनेशन था ये बहुत ही भयंकर विष बनाता था शरीर में और उससे बीमारी होती थी। तो हमने चाय में चेंजेस लाई, हमने बोला दूध दूध पियो, चाय चाय पियो, अलग से कंबाइन करके मत पियो। तो ये एक लाइफस्टाइल चेंज लाया। फिर सिंपल चीज है, जिनको अस्थमा दमा होता है इनको ये अंदाजा भी नहीं होता है कि आयुर्वेद में आतप सेवन करके एक हेतु बताया गया, मतलब जब आप हवा घुड़सवारी करोगे ज्यादा हवा नाक में जाएगी तो आपको दमा जैसी बीमारी हो सकती है। इट्स लाइक कोई जबरदस्ती आपके नाक में हवा घुसा दे तो आपका ये फंक्शनिंग जो है बिगड़ जाएगा, इसकी यू नो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस आएगा। मेजोरिटी आज के मध्यम वर्ग के लोग यू नो आज भी मैं भी उसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ मिडिल क्लास, हमारी एक आदत है हमारा सीलिंग फैन हमेशा ऊपर होता है सर के ऊपर सोते वक्त, और वहां से जो एयर आती है रात को जब हम सोते हैं पूरी जबरदस्ती जैसे वेंटिलेटर से हवा फूकी जाती है लंग्स में, उसी तरह हमारे लंग्स में होती है। आपको पता भी नहीं होता, अंदाजा भी नहीं होता कि आपके लंग्स का फंक्शनैलिटी कम होते जाता है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे 20 साल की उम्र में जिनका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वर बिकॉज ऑफ वन सिंपल थिंग, और जस्ट एक 6 महीना 1 साल उन्होंने चेंज किया, साइड फैन ले लिया या फिर कुछ अलग जगह पे सोना किया या अपनी करवट बदल ली, तो ऑटोमेटिकली ये जो कंप्लेंट थे ये ठीक होने लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप खाते क्या हो। मैं देखो अभी भी मेरे पास यहाँ पे मैंने एक बॉटल में भरा हुआ है, ये बॉटल में मैंने क्या क्या डाला हुआ है, आप ही का हर्बल हिल्स का वीट ग्रास है, आप ही का मेरे पास एलोवेरा भी है, और मैं इसमें नोनी जूस भी है डीएक्सएन का, ओके, इसमें सब्जा डाला हुआ है, ये सब डाल के मैं इसे एटलीस्ट दिन में 3 बॉटल्स ऐसे पी जाता हूँ। उसके अलावा मैं ब्लैक टी पीता हूँ, ध्यान करता हूँ, स्ट्रेस नहीं लेता हूँ, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके शरीर को अच्छा बनाती है। तो मेरे हिसाब से अगर एक सिंपल फॉर्मूला बताओ तो गुड लाइफस्टाइल के लिए आपको चाहिए अपनी जीवन शैली सुधारो, हर चीज से प्रश्न पूछो कि ये सही है कि गलत है, दूसरा अति योग या हीन योग किसी चीज का मत करो, और तीसरा सप्लीमेंट्स, मैं मेडिसिन नहीं बोल रहा हूँ, सप्लीमेंट्स मतलब सिग्नल पे रेड दिखता है तो गाड़ी रोक देना, क्योंकि वो रोकोगे तो कुछ नहीं होगा, सफर अच्छा चलेगा। जिस दिन सिग्नल तोड़ोगे वहां बैठा हुआ मामा आपको चालान फाड़ेगा और कोर्ट कचहरी शुरू हो जाएगी। उसी तरह जब तक आप रूल फॉलो करेंगे अच्छी डाइट अच्छी लाइफस्टाइल का तो आपका कोई चालान नहीं कटेगा, आपकी जीवन कट सकती है अच्छी तरह, लेकिन अगर रूल तोड़ा तो आपका चालान कटेगा। और जो यहाँ पे मामा है या हम जो इसे बोलते हैं मामा, वो ट्रैफिक मामा, वो है हमारा डॉक्टर, वो फिर चालान काटना शुरू करेगा और वो जिंदगी भर नहीं कटेगा, फिर वो चलता ही रहेगा। ठीक है, राइट राइट, थैंक यू सो मच। और सर जैसे कि आपने बोला कि आपकी खुद की लाइफस्टाइल मेंटेन करना ये खुद की हाथों में है, मतलब अच्छा आहार खाना चाहिए एंड गुड हेल्दी लाइफस्टाइल, ये इजीली आप मेंटेन कर सकते हैं, विच नॉट अ रॉकेट साइंस और समथिंग लाइक दैट। तो आई एम श्योर आपने जैसे बताया है इजी तरीके, वो हमारे जो व्यूअर्स है वो जरूर फॉलो करेंगे। सर एक क्वेश्चन है, अभी हम माइंड के मन के बारे में बात कर रहे हैं तो यूजुअली लोग छोटी छोटी चीजों के लेके मतलब बहुत फास्ट रिएक्ट करने लगते हैं या फिर फास्ट स्ट्रेस ले लेते हैं कोई भी चीजों का,
मतलब जरूरत भी नहीं होती है ऐसे नॉर्मल चीजें, अरे कि कहीं जाना है उनको मनपसंद कोई कपड़े पहनने हैं बट वो टाइम पे इट इज नॉट अवेलेबल या फिर आयरन नहीं है तो दूसरा कुछ पहन लिया, दिस इज अ सिंपल सॉल्यूशन, पर लोग उतनी छोटी चीजों का भी स्ट्रेस ले लेते हैं। तो ये सब में मन क्या काम करता है और हाउ टू कंट्रोल ऑल दिस सिचुएशन सो दैट अपनी लाइफ का स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाए। अब यू नो अक्षय, मैंने तुम्हें वो चित्र दिखाया, चित्र कभी मत भूलना, वो चित्र बहुत ही पुराना चित्र है, करीबन यू नो 2500 साल पुराना चित्र है, लेकिन ये आज भी उतना ही वैलिड है क्योंकि मन तभी भी था और आज भी है। ओके अब तुम्हारा सवाल बहुत सिंपल था कि उस वक्त मन क्या करे, मुझे बता, ओ बताओ कि एक घोड़ा है और घुड़सवार है और घुड़सवार के हाथ में उसकी रस्सी है पकड़ने वाली, ओके रस्सी क्या कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है, रस्सी तो कुछ भी नहीं है, मन कुछ नहीं है, मन नहीं है, इंद्रिय, मतलब उस आदमी को अगर लाल कलर का ही शर्ट पहन के जाना है पार्टी में वो उसी को अटका हुआ है क्योंकि उसका ऑलरेडी इमेज बन चुका है कि मैं लाल में ही स्मार्ट दिखने वाला हूँ, लाल में ही सब लोग आने वाले, वहीं पे सब कुछ होने वाला, उसका चित्र बन चुका है। वो जो घोड़ा है आंख वाला जिसने ये देख लिया, वो दूसरी जगह जाने को तैयार नहीं, वो उतर ही जाएगा, समझ में आया, वो रस्सी खींचेगा। अब जो है बुद्धि, बुद्धि सोई हुई है, वो कुछ सवाल नहीं पूछ रही, तो घोड़ा को खींचेगी, गाड़ी को वही खींचेगी, फिर यही थाड़ 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 सब कुछ होना शुरू हो जाएगा और गाड़ी हिलना शुरू हो जाएगी, वही वही इंसान फिर पूरी गाड़ी हिला देता है, घर तोड़ देगा, कुछ फोड़ेगा, कुछ करेगा, गुस्सा करेगा, लेकिन बुद्धि ने अगर कंट्रोल किया मन के थ्रू, नहीं क्या हुआ, ये नहीं है, वो नहीं है, इंटेलिजेंस, जहां पे हम इंटेलिजेंस क्या होता है, नहीं किया तो चलो नहीं हुआ तो ये जो सवाल जवाब का किस्सा होता है अपने आप के साथ और अपने घोड़ों को संभालना, यहां से ऑटोमेटिकली सब लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। जो घुड़सवार अपनी रस्सी अच्छी तरह पकड़ता है बैठ के एकदम सही ढंग से, ना ज्यादा तान के ना ज्यादा लूज रख के, तो वो अच्छी तरह घुड़सवारी कर सकता है। जैसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना वीणा, अब वीणा के जो तार होते हैं इसको आप लूज कर दो आवाज नहीं आएगी, ऐसा आएगी, टाट कर दो टक करके टूट जाएगी, उसको सही मात्रा में बैलेंस करके रखना चाहिए। उसी तरह शरीर मन और बुद्धि, इनका जो मतलब इंद्रिय मन और बुद्धि इनका जो समन्वय है ये बैलेंस होना चाहिए, इसलिए हमेशा अवेयर रहो, प्रैक्टिस करो थोड़ा सा ध्यान। सर थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छे और सरल तरीके से ये सब बताया, बिकॉज ये जो प्रॉब्लम्स है ये डेली लाइफ में आती रहती है, ये तो सिर्फ एक कपड़े का एग्जांपल हो गया, बट ऐसी बहुत सारी चीजें होती है कि छोटा छोटा कुछ हो नहीं जाता और हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं या फिर गुस्सा करने लगते हैं एक दूसरे पे, सो थैंक यू सो मच। और सर आपने जैसे खुद का एग्जाम्पल दिया कि आप ये जो हर्बल सप्लीमेंट्स है, डायट्री सप्लीमेंट जिसको बोलते हैं नॉट मेडिसिन, और ये ध्यान कर रहे हैं, तो ऐसे हमारे व्यूअर्स को प्लीज बताइए कि योगा का और या फिर कोई एक्सरसाइज, ये कौन सी प्रक्रिया हमें रोज फॉलो करनी चाहिए सो दैट हमारा मन थोड़ा शांत रहे। अच्छा, यहाँ पे पहले तो योगा भी जानना पड़ेगा, योगा मतलब यूनियन, यूनियन मतलब दो चीजों का मिलन। अभी योगा जो हो गया है वो योगा हो गया है एक्रोबैटिक्स, सर्कस का काम हो गया है, यू नो एक 90 साल वाले इंसान को मैं योगा बोल नहीं सकता, बेचारा वो सर शीर्षासन नहीं करेगा, लेकिन वो उसके लिए है भी नहीं और ना किसी के लिए, योगा वो था ही नहीं। अगर आप गूगल करो और प्लीज करना पतंजलि योगा, उन्होंने जब वो अष्टांग बताया है उसमें जब आसन की बात आती है तो उन्होंने बोला कि सुखासन, मतलब जो भी आसन आपको सुख देगा, स्थिरता देगा, उस आसन में बैठ के आपको करना है समता विपासना, ये एक जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, समता विपासना, एक मतलब बैलेंस लाना और दूसरा मतलब देखना। देखो जैसे कैमरा मैन होता है ना, कैमरा मैन को अगर फोटो अच्छी खींचनी है पहले तो उसको कैमरा स्टेबल करना पड़ेगा, जब कैमरा स्टेबल हो जाएगा फिर वो अच्छी तरह देखेगा, फिर वो लेंस एडजस्ट करके फोटो निकालेगा। उसी तरह अपने लाइफ में अगर आपको माइंड का जो फंक्शन है उसको देखना है ना, उसको गुलाम बनाना, देखो कुछ लोग ना माइंड को गुलाम बना देते और गुलाम बना के बहुत तकलीफें सहन करते, एक जन अपना प्रण लेता मैं हाथ उठा के रखूंगा, हाथ ही छोड़ता नहीं, वो घोड़े को तकलीफ दे रहा है, वो हाथ वैसे ही सूख के मर जाएगा, वो आदमी वैसा नहीं करने। दूसरा मतलब मन को कुछ ही वैल्यू मत दो, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि वो भटकेगा, हमको बैलेंस चाहिए, इसीलिए सिर्फ नजरिया। तो मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ इसको कहते हैं, ये तक्षशिला नालंदा और श्री पर्वता यूनिवर्सिटी जो इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज थी वहां की प्रैक्टिस थी ये, इसको कहते हैं समता विपासना। और ये बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम बैठते हैं
और अपने आके थोड़ी सी मून लेते, बंद नहीं करते, और एक पॉइंट पे नजर रखते हुए हम सांसें जब अंदर जाती है और बाहर आती है सिर्फ देखते हैं, हम सिर्फ दर्शक होते हैं। ये जो ड्रामा करता है, ये घोड़े क्या ड्रामा करते हैं, ये इधर उधर किधर भाग रहे, ये क्या चाहते हैं, हम सिर्फ उसके साथ अपना जो नजर है उस पर रखते हैं, और हमारी बुद्धि वैसी भी जागृत हो जाती है, और बुद्धि जागृत होने के बाद वो स्वयं ही स्वयं सब कुछ संभालने लगती है। इसीलिए ध्यान का असली अर्थ है सिर्फ देखना। तो एक सिंपल प्रैक्टिस है और इसको आप आराम से बैठ के कभी भी कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच सर। और जो हमारे व्यूअर है हिरेन जी, उन्होंने पूछा है कि ये ड्रीम्स कैसे आती है हमें रात को, एंड लाइक हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, एंड इज दिस अ लाइक बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसफुल माइंड, कि हमें अगर स्ट्रेस है या उसी के वजह से हमें सपने आ रहे हैं, या देयर इज अनदर एनी अदर रीजन फॉर इट? नहीं, इसे आयुर्वेद में भी बहुत अच्छी तरह बताया है कि ऐसा है कि नींद जो है, आयुर्वेद में ये कहा है कि जब इंद्रियों का मन के साथ विषय कट हो जाता है, ओके, जब इनको छोड़ा जाता है, मतलब घोड़ों को अपने अपने छोड़ के रख दिया, गाड़ी को साइड में रख दी, ये होता है एक्चुअली नींद। और उस वक्त जो होता है बुद्धि और जो सेल्फ होता है, इनको तो वैसे भी यू नो, ये अगर यू नो हम एज एन एग्जाम्पल सोचे, एंड नॉट एज ह्यूमन बींग्स बट एज एन एग्जाम्पल, जो हमारा सेल्फ होता है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं, ये कॉन्शियसनेस ये हर जगह है, इट्स एवरीवेयर। और ये कॉन्शियसनेस और इंटेलिजेंस, मतलब आइडेंटिटी जो बन जाती है, ये इनके बीच में कॉन्वर्जेशन शुरू होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम इंटेलिजेंस जो एक्सपीरियंसिस लेता है इंद्रियों के द्वारा, तो ये क्या करता है, ये अपने ऊपर एक स्क्रीन की तरह यू इट जस्ट स्टार्ट शोइंग। तो सपने भी कभी कभी सात्विक हो सकते हैं, राजसिक हो सकते हैं, या तामसिक हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन व्हाट द एक्सपीरियंस द पर्सन हैज गॉन थ्रू। और इसीलिए कभी कभी सात्विक सपने सच भी हो जाते हैं, क्योंकि वो आने वाली पिक्चर के बारे में पहले ही ट्रेलर दिखा देता है। कभी कभी जो पिछला हुआ है उसका रिपीट टेलीकास्ट शुरू हो जाता है। ये साइकिल सपनों में चलता रहता है, लेकिन ये जब चलते रहेगा, ये सपनों की भी एक कहानी है कि अगर इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ रहेगा मन और सपने चल रहे, तो हालत खराब है, तो आदमी इंसोम्निया का शिकार है। और जब इंद्रिया सोई है, सब कुछ सोया, वो डीप रेम स्लीप में जहां बोलते हैं, कंप्लीटली डीप स्लीप में जाता है, और तब सपने जब शुरू होते हैं, वो एक अलग पैराडाइम है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, एंड इट इज एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। आप दुनिया के दो इसमें जीते हो, एक जब हम जागृत होते हैं, एक्चुअली ये जागृत होना एक्चुअली सोना है, और जब हम सोते होते हैं तो एक्चुअली हम जागृत होते हैं, वो असली जागना होता है। इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग टू अंडरस्टैंड दैट यस, ड्रीम्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रेलिवेंस। लेकिन इसका अगेन फूड के साथ बहुत गहरा संबंध है। नशा करने वाला, दारू पीने वाला व्यक्ति का आप पूछना क्या सपने आते हैं उसको, नशा करने वाले को, और जो घी खाता है वो भी अगर हर्बल हिल्स का जो शुद्ध घी खा ले, तो उसको को जो सपने आएंगे वो टोटली अलग आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर। एंड ऑन दिस नोट, वी आर ऑलरेडी अहेड ऑफ द टाइम, सो ऑन दिस नोट we should stop our end our seminar here, and thank you so much for your valuable time, and you have given really realistic examples so that all our viewers can enjoy and they can experiment the same in the daily routine, because aajkal sabke paas time ki bahut kami hoti hai, to aapne jo realistic aur simple tarike pata hai wo agar sab log thoda follow kar le, so they can have a healthy and stable lifestyle. So thank you so much again. Yeah. Before I go, I want to thank Dhiren bhai, yeah. Because when I got to know about Herbal Hills, मैं कोई भी प्रोडक्ट को कभी जिंदगी में ऐसे एंडोर्स नहीं करता हूँ। मैं आप देखोगे ये प्रोग्राम में मैंने हर्बल हिल्स को एंडोर्स किया है, खुलेआम एंडोर्स किया है, ओपनली एंडोर्स किया है, और इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उधर जाके देख के आया हूँ क्या करते हैं। मैं धीरेन भाई को मिला हूँ, मुझे व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं हमेशा कहता हूँ, खाना क्या पक रहा है मुझे मत बताना, खाना कौन पका रहा है ये जरूर बताना, क्योंकि जो बना रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। मुझे मालूम है धीरेन भाई क्या पकाते हैं वहां पे और कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डेफिनेटली मैं इसलिए बिंदास होके इसे एंडोर्स कर रहा हूँ। ओके, बिकॉज जो हमारे डायरेक्टर है धीरेन सर, वो एक्चुअली खुद ये सब छोटी छोटी चीजें जो होती है, यूजुअली कोई डायरेक्टर इतना ध्यान नहीं देता, बट वो हमारी हर एक प्रोडक्ट के पीछे अपनी जान लगा देते हैं, सो दैट
जैसे कि वो प्रोडक्ट खुद बना रहे वैसे होता है। एंड लोनावला में भी जो हमारा डेयरी फार्म है एंड एवरीथिंग, ही पर्सनली विजिट्स देयर रेगुलरली एंड दैट्स व्हाई ऑल द प्रोसीजर आर सो स्मूथ इन आवर कंपनी। सो थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अक्षय, थैंक यू सो मच एंड ऑल योर ऑडियंसेस, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यस यस, थैंक यू सर, बाय बाय बाय।